के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सब न्यूज़ कर्मियों को मैं धन्यवाद देता हूँ और आए हुए आदरणीय ओम प्रकाश जी का, जो भारतवर्ष के लिए एक जानी पहचानी हस्ती है, भारत के लिए काफ़ी सेवा दिया है, और साथ ही साथ अजय भट्ट साहब का, जो इंटरनेशनल जूडो कोच है और भारतवर्ष के लिए कई जवानों को तैनात किया है और बहुत बड़ा नाम भारत का विदेशों में उन्होंने लहराया है। साथ ही साथ गुरु माता जी का, प्रभा किरण जी का, जो अध्यात्म के जरिए और स्पोर्ट्स के जरिए पूरे भारत को वे मजबूत करते हुए आगे जाते हैं, और नीरज कुमार जी का इस प्रोग्राम को और इस गेम को पैदा करने वाले, एक तरह से जिसको हम मदर इंडिया कहते हैं, वो मदर फादर इस गेम से हैं, जिन्होंने इसको तैयार किया है। आप सभी के सामने मैं अपना प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। पिछले लगभग 10 सालों से ये गेम खेला जा रहा है और आज दिल्ली के अंदर, पिछली बार में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर हज़ारों बच्चों ने पार्टिसिपेशन लेके सेंट्रल मिनिस्टर्स आए थे, और इस बार यहाँ दिल्ली में हो रहा है, ये 7वां नेशनल है। इसमें आपके पंजाब से लेकर गुजरात से, हरियाणा से, दिल्ली से, आपके मध्य प्रदेश से, पांडुचेरी से, उत्तर प्रदेश से, तमाम जगह से लगभग 12 स्टेट्स अभी आई है। कल लगभग इसके अंदर 22 स्टेट करीब आने वाली है, और मैं चाहता हूँ कि ये गेम हर बच्चे के लिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो या महिलाएं हो, उनके लिए ज़रूरी है, उनकी स्वयं की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, और इस गेम को हम आगे लेकर जाना चाहते हैं। प्रयासरत है अपने ही जेब से, अपनी मेहनत से सभी लोग इसको कंट्रीब्यूट करके इस गेम को आगे लेकर जा रहे हैं, और निवेदन है भारत सरकार से, इसे जल्द से जल्द सरकारी में इसको घोषित किया जाए, जिससे हमारे बच्चों को और ताकत मिले, हमें हौसला मिले, ताकि हम और आगे इस गेम को लेकर जाए। आज ये गेम लगभग 22 कंट्रियों में खेला जाता है, ये भारतीय गेम है, भारत से शुरू हुआ और 22 देशों में इस गेम को हमने विदाउट किसी फंडिंग के हमने इसको लेकर गए हैं। मुझे आशा है भारत सरकार हमारे दर्द को समझेगी तो हम इसे पूरे विश्व में लेकर जाएंगे।